हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो टोयोटा गाड़ी होती है उसका जो अल्टरनेटर होता है, हम उसके कटआउट के कनेक्शन कैसे करें। कई बार क्या होता है कि हमारा जो ग्रिप होता है, ये वाला, ये 3 पिन वाला, ये ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास कई कमेंट्स आए थे कि सर हमें ये बताइए कि हम ये कैसे पता करें कि इन तीनों के कनेक्शन कौन कौन से हैं, कौन सा इसमें लाइट वाला है, कौन सा इसमें इग्निशन वाला है और कौन सा इसमें डायरेक्ट कनेक्शन वाला है। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि हम कैसे पता करें कि इसमें से इग्निशन वाला कौन सा है, मेन वाला कौन सा है और इग्निशन स्विच वाला कौन सा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए 3 तारे लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये 3 तारे ले ली, ये मैंने 3 तारे ले ली। ठीक है, आप इसमें हर पॉइंट पे एक एक तार लगा दीजिए। जैसे ये एक, एक किस पे लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों, 2 तारे लग गई। अब एक तार और ले लीजिए, वो इस पॉइंट पे लगा दीजिए। ठीक है, अब हमने कटआउट के तीनों कनेक्शन कर दिए हैं। अब पता ये करना है कि इसमें कौन सी इग्निशन वाली लाइट का है, कौन सा चाबी स्विच से आ रखा है और कौन सा हमारा डायरेक्ट है। इसमें इसमें 3 कनेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए और एक इग्निशन लाइट के लिए और इग्निशन जो स्विच होता है एक उसके लिए। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। तो आइए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे चेक करेंगे। आप एक ऐसी सीरीज बना लीजिए तार की, जैसे ही मैंने बना रखी है। सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा इसमें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आप एक सीरीज बना लीजिए ऐसे तार की। अब आप क्या करेंगे, आप एक ऐसे सीरीज बना लेंगे, ठीक है, और अब देखिए कैसे पता करेंगे। ये हमारा मेन बोल्ट हो गया करंट वाला, ये बॉडी अर्थ हो गया। ठीक है, अब आप इस कटआउट के 3 कनेक्शनों में से ये जो बीच वाला कनेक्शन है, ये बीच वाला कनेक्शन इग्निशन लाइट उसका होता है, स्टार्टिंग जो उससे आता है ना, चाबी स्विच से, उसका कनेक्शन होता है। एक हमारा होता है ये वाला, इसमें डायरेक्ट करंट होता है, और ये जो वाला होता है साइड वाला, ये जिसमें लाल कलर की तार लगी है, ये हमारा इग्निशन लाइट का होता है जो सीधा हमारे मीटर में जाता है बल्ब के ऊपर, ये वो कनेक्शन होता है। अब हमें यहीं से चेक करना है, हम गाड़ी से कैसे चेक करेंगे। तो ये जो बीच वाला जो कनेक्शन है, आप इसको करंट पे लगाइए, इसको करंट दीजिए। ठीक है, ये करंट दे दिया। अब हमें सीरीज का एक बल्ब का एक जो तार है उसको करंट दे देते हैं यहाँ से, और जो सीरीज का दूसरा जो तार है, ये वाला बल्ब का, हम कैसे, अब इसको तार को हम इस एक पिन पे लगाएंगे जो कि मीटर का जो बल्ब होता है उसका कनेक्शन होता है। ये देखिए, वो बल्ब आपका जल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आपको पता लग गया,
कि ये जो हमारा कनेक्शन है वो हमारा बल्ब का है, यानी ये लाल वाला, इसमें से एक कनेक्शन ये बल्ब का हो गया, ये हमारा इग्निशन उसका हो गया चाबी स्विच का, और ये हमारा डायरेक्ट करंट का हो जाएगा। या आप एक ऐसे भी कर सकते हैं, आप जैसे ये दोनों पॉइंट मिला दीजिए, ये हमारे दोनों करंट के हो गए, और इसको यहाँ लगा दिए मेन पे, यानी इनको करंट दे दिया, और जो है ये बल्ब का बल्ब वाला तार है, ये जैसे ही हम इस पे लगाएंगे लाल वाले पे, ये देखिए एक तार हट गया था। जैसे ही हम इसको अर्थिंग देंगे, ये हमारा अर्थ वाला तार है, यानी कि जो लाइट्स उससे बोर्ड पे जो मीटर में जो लाइट होती है उस लाइट का ये कनेक्शन है। तो हमारा एक ये तार उसका हो गया लाइट का, और ये हमारा इग्निशन स्विच का हो गया, और ये हमारा डायरेक्ट करंट का हो गया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें तीन कनेक्शन होते हैं, तीन कनेक्शनों वाला कटआउट होता है टोयोटा गाड़ी में। ये जो हमारा होता है, ये जिसमें लाल कलर की तार लगी है, ये पतले वाली, ये हमारी स्विच के उस बल्ब का जो इग्निशन जो बल्ब होता है उसके लिए होता है कनेक्शन। और ये जो बीच में सेंटर वाला जो तार होता है, ये हमारा चाबी से होता है, जिस हम चाबी लगाते हैं तो वोल्ट बल्ब जल जाता है और कटआउट में जो करंट पहुंच जाता है। और एक हमारा होता है तीसरा, तीसरा कनेक्शन, ये हमारा डायरेक्ट करंट का होता है, ये इसमें डायरेक्ट करंट जा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बेशक आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, धन्यवाद।